जब तुम ये मानोगे जुड़ोगे तो जानोगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू नो द स्पोर्ट्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम रैंकिंग्स की भी बात करेंगे पीएमजीसी की न्यूज के साथ साथ। तो दोस्तों पीएमजीसी वीक थ्री की यानी थर्ड वीक की लास्ट वीक की जो सी डे वन की रैंकिंग्स भी हमारे पास निकल के आ गई है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास फेज निकल के आई है। फेज ने बहुत ही अच्छी कमाल की डोमिनेशन दिखाई है दोस्तों, एक ऐसी डोमिनेशन जो की एक अच्छी टीम से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकंड स्पॉट पे हमारे पास जीडी गेट्स वाले आ जाते हैं और इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मुश्किल है। तो एंड थर्ड पे एनजीएक्स निगमा गैलेक्सी एंड द फोर्थ पे इंफिनिटी हमारे पास आ जाती है एंड डीएक्स और बाकी जिसने पढ़नी हो वो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों सेकंड पेज की बात की जाए जिसमें हमारी साउथ एशिया की भी बहुत सारी टीमें हैं, तो उनमें हमारे पास डेड आइज हमें देखने को मिल जाती है 11th स्पॉट पे एंड 12th पे आप देख सकते हैं एमएससी एंड जो सी चाइना की स्टालवर्ट है वो हमें 13th स्पॉट पे मिल जाती है और बीटीआर मतलब के जो सा एसटी से जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है एंड ऑन द 15th स्पॉट जो सा वो हमें बीटीआर देखने को मिल गई एंड एसटी उसकी बड़ी खराब परफॉर्मेंस की आप देख सकते हैं 17th स्पॉट पर वो मौजूद है और डीआरएस और तो वो तो और ज्यादा जो सी है बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस दिखाई है इन्होंने जो कि हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं थे कर रहे। तो बट डीआरएस डोमिनेशन के लिए जानी जाती है अपनी आखिरी डेज में एसटी एंड बीटीआर, तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें कल तक का इंतजार करना होगा, तो देखना होगा कि कौन सी टीमें फर्दर आगे सुपर वीकेंड के लिए जो सी है वो जाती हैं। तो दोस्तों आज की सबसे पहली न्यूज हमारे पास क्रिप्टो की तरफ से निकल के आती है जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है साउथ एशिया रीजन। तो दोस्तों इसी से रिगार्डिंग जो सा पबजी मोबाइल ने अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा हुआ था वांट टू सी क्रिप्टो एंड सिनिस्टर सिनिस्टर जो कि बांग्लादेश के प्लेयर है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि पीएमपीएल के दौरान भी जो सा वॉच पार्टीज चलती रही थी मैच के दौरान, तो इसी तरह दोस्तों पबजी मोबाइल ने इरादा किया कि सुपर वीकेंड जो सा लास्ट सुपर वीकेंड होने जा रहा है पीएमजीसी का, उसमें इसी तरह की वॉच पार्टी में क्रिप्टो एंड सिनिस्टर भी हमें परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज हमारे पास जो पबजी की तरफ से निकल के आती है, तो पबजी वालों ने अनाउंस किया कि वो एक मजीद जो सा वो मैप लाने वाले हैं पबजी में। तो दोस्तों इसका जो सा नाम भी निकल के आ गया और इसकी एक्सपेक्टेड जो सी डेट भी निकल के आ गई है। तो भाई लोग इसका नाम कीकी होने वाला है और ये 2022 यानी कि अगले साल हमें देखने को मिलेगा पबजी। तो दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट न्यूज हमारे पास बबलू पिकाचू की तरफ से निकल के आती है। तो आपको बताता चलूं कि जैसा कि बबलू तीन वुल्फ ने भी iPhone 13 Pro Max ले लिया था, तो इसी तरह जो सा बबलू पिकाचू ने भी अपनी स्टोरी में ये शेयर करते हुए बताया कि उन्होंने भी 13 Pro Max iPhone ले लिया, साथ में एक दुआ भी दी अल्लाह हम सब के नसीब अच्छे करे आमीन। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतनी न्यूज थी इतनी अपडेट थी, तो अपने भाई को दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर से कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके और आप हर लम्हा आगाह रह सकें। इसी तरह मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।